हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है ये अभी नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं राइडिंग गियर्स का, क्योंकि जो सेफ्टी गियर्स है वो राइडर्स के लिए उतने ही ज़रूरी है जितनी आपकी बाइक के लिए एसेसरीज ज़रूरी होती है। तो अभी जो हमने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, जो हमने काफ़ी बार अपने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है, इस पर ऐसे तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस तरह के राइडिंग गियर्स, जैसे ही आप देख सकते हो इसमें हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट है, राइडिंग पैंट है, राइडिंग ग्लव्स है, राइडिंग बूट्स है, ये एसेंशियल कैटेगरी में आता है। उसके अलावा बाकी दूसरी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल राइडिंग गियर्स की, जो एक राइडर अगर आप राइड पर जा रहे हो तो क्या आपके साथ होना चाहिए। राइडिंग गियर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हादसा जो है ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। आपकी गलती ना हो और सामने वाले की गलती हो तो भी हादसा हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को जितना बेस्ट प्रोटेक्ट कर सके वो हमारे लिए अच्छा है। जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी बाइक पे इन्वेस्ट किया, फिर बाइक की एसेसरीज पे इन्वेस्ट किया, तो अभी जब बात खुद पे आती है तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग उसमें थोड़ा सस्ते में काम चला लेते हैं, मतलब राइडिंग गियर्स में भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। और शायद हो सकता है उसका दूसरा कारण ये भी हो कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि राइडिंग गियर्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। इसीलिए हमने ये जो ब्लॉग बनाया है उसका रीज़न यही है कि इस पर हमने एक पूरा गाइड दिया हुआ है कि आपको किस चीज़ में किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हेलमेट लेना है तो हेलमेट में इतनी सारी वैरायटी है, राइडिंग गियर्स में इतनी सारी वैरायटी है। हालांकि मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था जब मुझे अपने लिए राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट खरीदने थे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, उसमें से मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पर। आप किस तरह के राइडर हो, आप सिटी राइडर हो, आप हाईवे राइडर हो, या आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हो। अगर लॉन्ग टूर्स पे जाते हो तो ज़्यादातर आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कितना ऑफनली चेंज होता है, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है आपकी राइडिंग स्टाइल और आपके राइडिंग जोन के हिसाब से। तो मैंने भी काफ़ी टाइम इस पर सोच विचार करके ऐसा एक राइडिंग जैकेट अपने लिए पसंद किया जिसके अंदर हम मुझे जो भी सारे फीचर्स है वो उसमें मुझे मिले, मतलब मैं हॉट कंडीशन में भी चला सकूं, उसको कोल्ड क्लाइमेट में भी चला सकूं, यहाँ तक कि अगर रेनी क्लाइमेट हो तो भी मैं उसे यूज़ कर सकूं। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद में मैंने अपने लिए जो राइडिंग जैकेट फाइनल किया है वो है सोलेस का सेबर V3। जो सोलेस का सेबर V3 मॉडल है ये मैंने अपने लिए फाइनल किया है। अभी इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यदि आप भी अपने लिए कोई राइडिंग जैकेट चूज़ कर रहे हो, मतलब आपको भी एक राइडिंग जैकेट खरीदना है, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस राइडिंग जैकेट को खोल के बताता हूँ। ये इसका आउटर पैकेट है जिसके अंदर ये राइडिंग जैकेट आता है, और अभी इसके अंदर क्या क्या खासियत है ये अभी हम शुरू करेंगे। अभी राइडिंग जैकेट क्या है, मतलब राइडिंग जैकेट बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों ज़रूरी है। मैंने देखा है लोग नॉर्मल जैकेट में भी लोग राइडिंग करते हैं, लेदर जैकेट पे राइड करते हैं, जीन्स का जैकेट लेके राइड करते हैं। तो आखिर राइडिंग जैकेट अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल जैकेट्स और जो हमारे रेगुलर जैकेट है उसके अलावा, तो इसमें क्या खास बात ये होती है? इसका जो सबसे मेन दो बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि इसका फैब्रिक और एक होता है उसका प्रोटेक्शन। अभी इसका जो फैब्रिक होता है ये एक हाई एब्रेशन मटेरियल का बना होता है, जिससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट जोन्स होते हैं, अगर आप खुदा ना करें लेकिन अगर कहीं गिर जाते हो और आपका जो इम्पैक्ट होता है तो जिस जगह पर इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कोनी का एरिया है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पैच लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि जब भी आपका जो बॉडी है वो रगड़ खा रहा हो तो आउटर शेल फटे, आपकी स्किन तक ये ना पहुँचे, और उसमें एडेड प्रोटेक्शन के लिए हर इम्पैक्ट जोन पर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ रहता है। ये जो प्रोटेक्टर से ये आपके एल्बो पे होता है, फिर आपके शोल्डर पे होता है, फिर आपके बैक पे होता है, और आपके चेस्ट पे होता है। अभी जो चेस्ट प्रोटेक्टर है ये हर जैकेट में नहीं आता है, लेकिन अभी ये मॉडल मेरा लेने पीछे का कारण यही था कि इसमें मुझे चेस्ट प्रोटेक्टर साथ में मिल रहा था। तो अभी जो इसका मटेरियल है इसमें भी क्या होता है, जैसे ये जो आप ऊपर का पैच देख रहे हो यहाँ पर आपको ये अलग मटेरियल दिखेगा, फिर यहाँ पर ये मैश दिखेगा। तो मैश से क्या होता है, जब भी आप राइड कर रहे हो तो अंदर हवा का जो फ्लो है ये इवनली होता है, मतलब राइडिंग में आपका जो बॉडी है अंदर से स्वेट नहीं होता है, और स्वेट ना होने की वजह से आपको राइडिंग में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है।
तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन राइडिंग जैकेट्स को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हवा जो आगे से जा रही है वो पीछे से इवनली, देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से उसके बाहर निकलने के लिए उन्होंने वेंट्स बनाए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बैक साइड में आपको एक HTO यानी कि वाटर ब्लेडर के लिए अलग से कंपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर आप चाहिए तो एक, क्योंकि राइडिंग के समय क्या होता है ज़्यादातर लोग रुक रुक के पानी नहीं पीते और उस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए ये कंपनी ने अलग से यहाँ पर HTO कंपार्टमेंट बनाया है। यहाँ पर अपना वाटर ब्लेडर डाल दीजिए, उससे ये पाइप जो है ये आप आगे की तरफ ले सकते हो, तो क्या होता है कि आप राइडिंग ऑन द गो भी आप पानी पी सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं आपको उसको पहन के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके जो फीचर्स हैं ये क्या क्या है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। अगर मैं ऐसे ही पकड़ के रखूँगा तो आपको शायद इसका लुक कैसा है, ये बॉडी पे किस तरह फिट आता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसे पहन के मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जैकेट मैंने पहन लिया है और इसका फिटिंग देख सकते हो कि किस तरह से ये फिटिंग में आ जाता है। एक राइडिंग जैकेट में फिटिंग में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राइडिंग जैकेट जो है ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। आपका जो भी साइज़ है आप उसके एक साइज़ छोटा या उसके आसपास का साइज़ लीजिए, एकदम फिट टू या तो एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए, एकदम फिट भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको राइडिंग में डिस्कम्फर्ट ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और एकदम लूज़ हो जो आपके बॉडी को अच्छे से कस के ना रख सके वैसा भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टर्स है ये अच्छे से अपनी जगह पर फिट होने चाहिए। वैसे उसके फिटिंग के लिए अलग से स्ट्रैप्स दिए हुए रहते हैं जो आप अपने चॉइस के हिसाब से उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो कि जिससे वो हिले नहीं, क्योंकि अगर प्रोटेक्टर्स अपनी जगह से हिल गए तो कोई मतलब ही नहीं होता इस राइडिंग जैकेट में इन प्रोटेक्टर्स का। जैसे ये जो यहाँ का प्रोटेक्टर है ये यहाँ के प्रोटेक्टर्स है, ये बैक प्रोटेक्टर हो गया और ये चेस्ट प्रोटेक्टर है। अब दूसरी इसके फीचर्स की बात करें तो इस जैकेट में क्या क्या एडिशनल फीचर्स है जिसकी वजह से मैंने ये जैकेट पसंद किया, तो शुरू करते हैं। इसके जो स्टोरेज है यहाँ पर आपको ये दो स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, उसके अलावा अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक ये एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट मिलता है फ़ोन के लिए। मतलब आप इसमें एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट है तो यहाँ पर भी आप अपना जो फ़ोन है या ऐसे या कुछ सामान रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक आईडी पॉकेट दिया हुआ है, आईडी पॉकेट में आप अपना कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड अगर आपको रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। हालांकि ये फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, यहाँ से पानी अंदर जा सकता है, लेकिन आजकल हर चीज़ जो है वो जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको PVC मटेरियल मिल जाता है तो उसमें कोई आपको भीगने की परेशानी होगी नहीं। और दूसरी बात करें तो इसमें ये स्लाइडर्स लगे हुए हैं, ये एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए है कि कभी जब भी आप कुछ गिर रहे हो तो ये फैब्रिक को टच होने से पहले यहाँ पर उसको इम्पैक्ट सहना पड़े ताकि आपका जो फैब्रिक है वो भी ना फटे। और बाकी ओवरऑल जैसे फिटिंग की बात करें तो ये काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का फिटिंग है इसके अंदर। और अगर इसकी प्रोटेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो इटालियन ब्रांड है सेफटेक उसके प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें आपके एल्बो शोल्डर और बैक में लेवल 2 प्रोटेक्टर है और चेस्ट में लेवल 1 प्रोटेक्टर है। ये जो आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ये दोनों इसके प्रोटेक्टर्स हैं। और अगर इसके बैक प्रोटेक्टर की बात करें तो इसकी सबसे खास बात यह है कि अपने तरह का एक सबसे लंबा बैक प्रोटेक्टर है, मतलब आपका नेक से लेके स्पाइन तक आपका ये पूरा जो बैक है ये कवर करता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कोई कोई जैकेट्स में जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं तो वो पूरे आपके बैक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसका प्रोटेक्टर ये सबसे लंबा बैक प्रोटेक्टर है। और उसके अलावा अगर छोटी छोटी बात की जाए तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया है, यहाँ पे जिप है तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक आपको चाबी लटकाने के लिए भी इन्होंने एक कीचेन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अपनी की हैंग कर सकते हो। है एक छोटी सी बात है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। और इसके साथ में जो लाइनर आते हैं उसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आपको एक विंटर लाइनर मिलता है जो थर्मल लाइनर है, और एक्सटर्नल आपको इसमें रेन लाइनर मिलता है जो कि यहाँ पर ये जो पीछे आप देख सकते हो ये जो कवर है इसके अंदर ही है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये ड्यूअल टोन है ताकि हाई विस मटेरियल से बना हुआ है ताकि अगर आप रात में या फॉगी क्लाइमेट में कर रहे हो तो आप इसको, ऊपर से फ्लोरोसेंट है और नीचे ब्लैक है, और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक टाइप नहीं है, ये अच्छे से आपका जो पानी है उसको रिपल करेगा। तो ये एक्सटर्नल मुझे चाहिए था, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था क्योंकि मैंने बहुत सारे जैकेट्स में देखा है कि जिसमें जो लाइनर्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। अभी आप ही सोचिए, आप भारी बारिश में चला रहे हो, अपने आपका जो जैकेट है ये फैब्रिक बाहर से भीग चुका है और आपका लाइनर अंदर है तो वो आपको कितना प्रोटेक्ट करेगा। और अगर दूसरे दिन वापस आपको राइड करना है तो आपका जैकेट ये जल्दी से सूखने वाला नहीं है तो वो इंटरनल लाइनर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा सबसे पहला जो एक चॉइस था कि मुझे वैसा जैकेट चाहिए जिसका रेन लाइनर एक्सटर्नल हो। हालांकि अभी काफ़ी सारी कंपनीज अभी यही मॉडल पे बेस्ड है जिन्होंने अभी हर एक को एक्सटर्नल लाइनर का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आपका लाइनर जो है वो एक्सटर्नल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये रेन लाइनर पहनने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखता है। हमने ये जैकेट के ऊपर ही पहन लिया है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाए
कि ये ग्रीन लाइनर जो है किस तरह से इस पर कवर करता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है ये आपके नेक तक, मतलब अगर आप हेलमेट पहन रहे हो तो हेलमेट इसके ऊपर आ जाएगा ताकि अंदर जो पानी जाने के चांसेस है वो नील हो जाए। और उसके अलावा यहाँ पर भी इन्होंने ये इलास्टिक दिया हुआ है ताकि यहाँ से भी पानी अंदर ना जाए। तो हर एक छोटी छोटी बात का अच्छे से ध्यान रखा गया है। और अगर दूसरे से बात करें तो यहाँ पे वेलक्रो और चेन दोनों दिया हुआ है। अगर आपके देखेंगे तो आपको डबल प्रोटेक्शन है, यहाँ पे वेलक्रो भी है और साथ में चेन भी दिया हुआ है। तो ये इस तरह से है आपका, ये ओवर द जैकेट लाइनर हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो विंटर लाइनर है ये एक स्टैंड अलोन विंटर जैकेट का भी काम कर सकता है। इसका जो आउटर फिनिश है ये काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, मतलब आपने जैसे कोई भी विंटर लाइनर आप खरीदते हो विंटर जैकेट उसी की तरह ये दिखता है। तो ये आपके दोनों पर्पज़ सॉल्व करता है, ये आपका इनर प्रोटेक्शन भी करता है। और जिस दिन अगर आप कहीं राइड नहीं भी कर रहे हो, उस दिन आप कहीं घूमने गए हो, तो आपको ये एज ए स्टैंड अलोन विंटर जैकेट का भी ये काम करता है। तो दोस्तों सोलेस का जो ये जैकेट है सेबर V3, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसकी कॉस्ट अराउंड जो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे कुछ 12,000 के आसपास है, लेकिन हमें इसमें अच्छी डील मिल गई थी तो हमें ये कुछ 9,000 के आसपास पड़ा है। और ये जो ऑनलाइन, मतलब ये एक शॉप है जयपुर में करण मोटो मार्ट करके, वहाँ से हमने ये मंगाया था। और जो ये इसके ब्रांड के जो ओनर है मिस्टर अभय अरोरा, इज़ वेरी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव पर्सन। और अगर आपको उनसे संपर्क करना है तो मैं उनका फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हमने उनके पास से पैंट भी मंगाया है जो सोलेस का ही पैंट है कूल मैश प्रो करके, तो उसका भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में को मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ ताकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो पैंट का मैं आपको दूसरे पार्ट में वीडियो बताऊँगा, तो ये इसी के साथ में आने वाला है। तो यदि आपको और कोई हमारे इस राइडिंग जैकेट से रिलेटेड अगर कोई भी आपके सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके हर कमेंट के जवाब देंगे। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो और जानकारी भरे वीडियो के लिए आप हमारे साथ में बने रहिएगा डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और आगे भविष्य में भी हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लाने वाले हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं राइडिंग पैंट्स के बारे में। दोस्तों धन्यवाद।